नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा दलित चेहरा जिसकी जरूरत भारतीय राजनीति में अरसे से थी और रहेगी, एक बड़ा रिक्त जगह उपस्थित हो गया है। आपको याद होगा कि एक समय था जब एक नारा गुंजायमान होता था, ऊपर भगवान नीचे पासवान। वह समय था दलितों के राजनीति के उदय का और वह समय था रामविलास पासवान का। दोस्तों, रामविलास पासवान, शरद यादव और लालू यादव की इस तिगरी ने सामाजिक समरसता के लिए एक बड़ा संघर्ष किया। सामाजिक क्रांति के सूत्रपात में जयप्रकाश नारायण के साथी बने और यह क्रांति इतनी तेजी से आगे बढ़ती चली गई कि दलितों का, पिछड़े वर्गों का एक हिमायती बन करके रामविलास पासवान राजनीतिक जगत में उभर कर सामने आए। आज रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे। बिहार के खगड़िया जिला का एक प्रखंड अलौली के शहर बन्नी का रामविलास, जिसके नाम कई रिकॉर्ड हैं, राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे, उनका पार्थिव शरीर आज पटना आ रहा है। कल गंगा के किनारे दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है। यूं ही नहीं, लालू जी उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। लगातार सत्ता में बने रहे और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा और यह भारतीय राजनीति में एक कीर्तिमान भी था। उपभोक्ता मामले और रसायन व खाद्य मंत्रालय जैसे विभागों का कार्यभार संभाला। रामविलास पासवान की शादी महज 14 वर्ष में हो गई थी। पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ काफ़ी लंबा अरसा दाम्पत्य का नहीं चल पाया। 1981 में यह तलाक में बदल गया। इसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान की 2 पुत्री हैं। राजनीतिक जीवनकाल में हवाई यात्राओं के दौरान एयर होस्टेस रीना शर्मा से प्यार हुआ और शादी कर ली। वह वर्ष 1983 था जिसमें रामविलास पासवान को 2 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुए। रामविलास पासवान को 1 पुत्र रत्न और 1 पुत्री प्राप्त हुई। चिराग पासवान को यह कहा जा सकता है कि उन्हें 3 बहनें हैं, 1 सगी और 2 सौतेली। रामविलास पासवान, शरद यादव और लालू यादव ने सामाजिक क्रांति और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का वर्ष 1977 का ऐसा दौर था जो लोगों के जेहन में अब भी विस्मित नहीं हुआ है। सामाजिक समरसता की ऐसी आंधी आई कि संपूर्ण भारत में जड़े जमाए कांग्रेसी सत्ता की चूलें हिल गई। गुजरते सालों में कई परिवर्तन आए, शासक और सत्ता में बदलाव हुए, फिर जातीय व्यवस्था का दम भी भरा जाने लगा और आरक्षण की बातें सामने आई। वह समय था मंडल कमीशन का, जिसके मसीहा बीपी सिंह हुए, लेकिन उसे लागू रामविलास पासवान ने ही किया था। सत्ता की गलियारों में दलितों का आवाज़ बन उभरे रामविलास पासवान एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने दलितों के तमाम बातों को राजनीतिक शिखर पर पहुंचाया, लेकिन जातीय व्यवस्था में किसी दूसरे जाति को हाशिए पर धकेलने का काम नहीं किया। एक दूरदर्शी दलित राजनीति का चेहरा आज जीवंत है, पर वह स्वयं अनंत की यात्रा पर एक सुखद संदेश छोड़ गया है। हमें याद आएंगे रामविलास पासवान।